नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्ड इन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में कितनी गिरावट और उछाल देखने को मिला, और इसी के साथ में आज की तीन बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो फटाफट से हम तीनों खबरों को जान लेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ खबरों की जानकारी मिल सकेगी। ओके, तो आज की पहली खबर है, मारुति सुजुकी अप्रैल 2020 से नहीं बेचेगी डीजल कार, कंपनी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने डीजल कारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि उसकी सभी डीजल कारों को एक साल के बाद बंद कर दिया जाएगा, और इसके लिए 1 अप्रैल 2020 तक की डेडलाइन तय की गई है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भार्गव ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद सभी डीजल कारें बंद कर दी जाएगी। दरअसल डीजल कारों को लेकर केंद्र सरकार के नए नियम की वजह से कंपनी को अपने सभी डीजल कारों को अपडेट करना पड़ता है, और ऐसे में कंपनी में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से डीजल कारों की कीमतें बढ़ सकती है। साथ ही में ग्राहकों के लिए डीजल कार 1 से 2 लाख रुपए तक महंगी पड़ सकती है। तो इसी वजह से 2020 के बाद मारुति सुजुकी की एक भी डीजल कार मार्केट में नहीं दिखने वाली। ओके, तो अगली खबर है, अब व्हाट्सएप पर चैटिंग के साथ साथ कर सकेंगे पेमेंट, फेसबुक का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते करते आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकेंगे। फेसबुक इसके लिए डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर रही है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने यह ऐलान किया है। जुकरबर्ग ने कहा है कि भारत में पेमेंट गेटवे व्हाट्सएप पे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि जुकरबर्ग ने लॉन्चिंग की डेडलाइन बताने से इनकार कर दिया है। ओके, तो अगली खबर है, 2 दिन की गिरावट के बाद 150 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी 295 रुपए चमकी, ये है आज के भाव। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातु में रही गड़बड़ के बीच स्थानीय जेवराती मंगाने से दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 150 रुपए की छलांग लगाकर 32,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वही बात करें चांदी की, तो 295 रुपए की मजबूती के साथ चांदी का भाव 38,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। ओके, तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर कौन है। आपको जवाब कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक करना है। सही जवाब देने वाला विजेता जीत सकते हैं 500 रुपए का पेटीएम कैश। विजेताओं के नाम 1 मई 2019 को प्रकाशित किए जाएंगे। धन्यवाद।